नमस्ते इंडिया, नमस्ते वर्ल्ड। हम बलराम किसान हैं और आप एक किसान पाठशाला पर मडागास्कर की फार्मिंग किसान पाठशाला की टीम वीएम स्प्रे के लिए हम हैं खेतों में। यहाँ पर मिट्टी का स्प्रे और यहाँ की एग्रीकल्चर को भी सस्टेनेबल बना रहे हैं, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी के लेकर साथ में चल रहे हैं। या वेजिटेबल, सरसों, चावल, अलग अलग तरह की खेती है, लेकिन पार्ट पार्ट में है, छोटे छोटे पार्ट में है। और पानी देने का इनका काम हैंडमेड है। आइट साइड पहाड़ों की टेकड़ियों से जो रसा आता है पानी का, उसी को ये डेवलप करते हैं, यहाँ पर देते हैं। और अभी सामने देखेंगे पानी कैसा दे रहे हैं। पत्ता गोभी, चावल, प्याज, सरसों, अलग अलग तरह की फार्मिंग है। और रेसिड्यू फ्री फार्मिंग के लिए हम इनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन पार्क के लिए कनेक्ट हो रहे हैं। और वाइसेनोमेटा मिट्टी के स्प्रे के साथ यहाँ पर भी पहुँच चुका है। बहुत ही हार्ड वर्क है, पानी देने का तरीका एकदम मेहनती है। हम दिखाएंगे ब्रदर पानी कैसे दे रहे हैं यहाँ पर खेतों में। ये चैन कुप्पी के साथ में पानी दिया जा रहा है। इस तरीके से पानी बैरल में भर करके, हाँ, एक बार करने दो, इनको कंटिन्यू करने दो, आप कंटिन्यू करो, ये लो। इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद में प्रोडक्शन आ रहा है, जिसको इजीली स्प्रिंकलर मोटर पंप से लगाया जा सकता है। लेकिन बिजली की अवेलेबिलिटी, यहाँ के किसान बहुत ही हार्ड वर्किंग में हैं। ये फसलों में पानी दिया जा रहा है, वहीं पर चलते हैं आगे। यस, इस तरीके से पंपिंग से दो दो बैरल से पानी दिया जा रहा है। हाँ, पावरफुल भाई, बहुत पावरफुल ज़मीन है। मतलब इंडिया के किसानों के पास इतनी अवेलेबिलिटी है, मोटर पंप, सोलर उपकरण, और इस तरह की मडागास्कर में खेती हो रही है, फिर भी यहाँ का किसान खेती करके उपज ले रहा है, ये बड़ी बात है।